देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इस चीज पर रिसर्च भी करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं, पूछते हैं, कहीं देखते हैं कि कहीं से ये जानकारी हमें मिल जाए कि काले तिल का सेवन करना बेस्ट है कि सफेद तिल का। आज इसी के ऊपर में बात करने वाले हैं। देखिए आयुर्वेद में हमेशा एक चीज बताई गई है, यहाँ पे मैं आयुर्वेद पे आधारित ही सारी बातें बताता हूँ आपको कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है, आयुर्वेद में क्या लिखा गया है, आयुर्वेद में क्या हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए वरदान के रूप में देके चले गए हैं। वही चीजें मैं आपके बीच में रखता हूँ हमेशा। आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि तिल के अंदर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तिल के अंदर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर में प्रोटीन पाया जाता है, हेल्दी फैट पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये तिल हमें अनेक तरह के हेल्थ के फायदे हमें जरूर देता है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर में अंतर क्या है, तो आज यहां पे इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपने काफी जगह पे पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि जो गोरे व्यक्ति होते हैं, गोरे व्यक्ति के कंपैरिजन में काले व्यक्ति के अंदर में कैल्शियम, यानी कि उसकी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है काले व्यक्ति के अंदर में गोरे व्यक्ति के कंपैरिजन में। ये चीज देखना। ठीक ऐसे ही इसके आधार पर हम यहां पे बात करते हैं, आयुर्वेद में ऐसा क्या बताया गया है। जो गहरे रंग की चीजें होती हैं, जैसे एक चीज के दो कलर होते हैं, एक हरा रंग का कोई भी पत्ता है वो लाइट ग्रीन कलर का पत्ता है, और एक पत्ता होता है डार्क ग्रीन कलर का। ठीक ऐसे ही एक लाइट होता है कलर, एक डार्क होता है। और आयुर्वेद के अंदर में क्या बताया गया है कि जो डार्क रंग की चीजें होती हैं, यानी कि जो गहरी रंग की चीजें होती हैं, गहरा काला, गहरा हरा या फिर गहरा कोई भी कलर लगा लीजिए, तो गहरे रंग की चीजों के अंदर में औषधीय गुण और आयुर्वेदिक गुण ज्यादा पाए जाते हैं लाइट कलर की चीजों के कंपेरिजन में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि काले तिल में और सफेद तिल में ताकतवर कौन है, फायदेमंद कौन है। तो देखिए काले तिल का सेवन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि काले तिल के अंदर में सारी की सारी चीजें तो पाई जाती हैं जो सफेद तिल में पाई जाती है, लेकिन इन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की अधिकता की अगर हम बात करें, अधिकता की अगर हम बात करें, तो वो काले तिल के अंदर में ज्यादा पाई जाती है सफेद तिल के कंपेरिजन में। तो फायदेमंद हमारे लिए क्या चीज हुई, फायदेमंद हमारे लिए हुई काले तिल का सेवन करना। तो कभी भी आप अगर तिल का सेवन करने के बारे में सोचें तो आप हमेशा काले तिल के बारे में ही सोचें। काले तिल के अंदर में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और उनसे मिलने वाले जो फायदे हमें मिलते हैं, उनसे मिलने वाले जो फायदे होते हैं, वो भी हमें सफेद तिल के बजाय काले तिल से हमें ज्यादा मिलते हैं। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं मैं, काले तिल के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा, सफेद तिल की बजाय बहुत ज्यादा होती है। और किन किन चीजों में वो फायदेमंद हो सकती है, देखिए अगर आप इसका रेगुलर रूप से सेवन करते हैं, किस तरीके से और कितना सेवन करना, ये वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूं। अब देखिए इसका रेगुलर रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी किन किन चीजों में फायदा देखने के लिए मिलेगा, ये चीज भी जरा जान लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बालों की, बालों को झड़ने से रोकेगा। आपकी स्किन के ऊपर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्किन के ऊपर में ग्लो लेके आएगा। आपकी हड्डियों के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हड्डियों के अंदर जान और मजबूती भरेगा। इसके अलावा अगर आपके बॉडी के अंदर में, यानी कि आपके इंटरनल पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको 100% रूप से इंप्रूव करेगा और मजबूत बनाएगा। तो इतने सारे यहाँ पे तिल के फायदे आपको मिलने वाले हैं। कौन से तिल के? काले रंग के तिल के। तो आप काले रंग के तिल का सेवन जरूर करें और अपने शरीर को बहुत हेल्दी बना के रखें, फिट बना के रखें। तो दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर शेयर किया करें ताकि मैं उन पर इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।